नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हैं आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह, आपको सामने नजर आ रहे हैं। कुछ महीनों पहले ये न्यूज में थे, लगभग नवंबर 2022 में, जब इनको इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन ऑब्जर्वर की ड्यूटी से हटाया गया था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया है। ये पिछले 82 डेज से विदाउट एनी ऑथराइज्ड लीव एब्सेंट है ऑफिस से, अपनी रेगुलर ड्यूटीज को ये अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के लिए अभी के लिए इनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है और इनके खिलाफ जल्दी ही एक चार्जशीट फाइल की जाएगी। अब उस चार्जशीट के अंदर कंडक्ट सर्विस रूल्स के कौन से प्रोविजंस लगाए जाएंगे वो तो जब देखे चार्जशीट आएगी तब पता चलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के जो लीव रूल्स होते हैं, इनफैक्ट अगर आप कह लो तो केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के जो लीव रूल्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत समझेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आईएएस आईपीएस के जो लीव रूल्स होते हैं और जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से सेलेक्ट होकर ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट या इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हो, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लीव रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इन्फो दे दूं, तो ये है अभिषेक सिंह साहब। नवंबर 2022 में अगर आप देखो तो इनको इलेक्शन ऑब्जर्वर लगाया गया, इलेक्शन ड्यूटी दी गई। इलेक्शन ड्यूटी के बाद इन्होंने अपनी कार पे ओवरऑल अपने ऑफिशियल डेजिग्नेशन के साथ ये फोटो ट्वीट कर दी। इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन नाराज हो गया और इनको ऑब्जर्वर की पोस्ट से हटा दिया गया था। उस समय पे इसकी काफी मीडिया कवरेज हुई थी और इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। वैसे मैं बता दूं कि अपने आप में अभिषेक सिंह साहब एक बहुत बड़े सोशल मीडिया स्टार हैं। ऑनलाइन इनकी प्रेजेंस काफी बड़ी है, 30 लाख से ज्यादा इनके ओवरऑल सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हैं और ये ऑलमोस्ट एक मॉडल है। अभी लैक्मे फैशन वीक हुआ था जहां पे इन्होंने रैंप वॉक भी की थी, तो ठीक ठाक मॉडल है ये, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर फोटो में। ये बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज मनीष मल्होत्रा, पुलकित सम्राट के साथ फोटो खींचते हुए नजर आ रहे। तो अपने आप में ओवरऑल एक अल्टरनेट प्रोफेशन में इन्वॉल्व है आईएएस अभिषेक सिंह साहब। वैसे मैं बता दूं कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनके फादर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल जी 2012-13 के समय पे बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध नगर में एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये पोस्टेड थी। गौतम बुद्ध नगर मतलब ये जो नोएडा की बैरन डिस्ट्रिक्ट है, तो नोएडा की डिस्ट्रिक्ट में ये एज अ नाइस ऑफिसर पोस्टेड थी और वहां पे इलीगल सैंड माइनिंग के अगेंस्ट एक जंग सी छेड़ दी थी दुर्गा शक्ति नागपाल ने। सैंड माइनिंग माफिया इनसे इतना नाराज हो गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर प्रेशर डलवाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवरऑल एक मस्जिद की इलीगल वॉल के डेमोलिशन को लेके इनको सस्पेंड करवा दिया। बाद में इनके सस्पेंशन को लेके भारी बवाल हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार को इनका सस्पेंशन रिवोक करना पड़ा। पूरे देश में दुर्गा शक्ति नागपाल को उस समय पे सपोर्ट किया था। तो ये इन्हीं के हस्बैंड है अभिषेक सिंह साहब। दिल्ली क्राइम 2 जैसे सीरियल्स में और कुछ और जगहों पे, आप कह लो नेटफ्लिक्स में कुछ ऐसी सीरीज है जहां पे ऑलरेडी ये एक्ट कर चुके, तो ही इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल, कुछ ऐसा आप कह सकते हो। अब ये मॉडलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टीवी सीरियल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा हो गया। बेसिकली अगर बात की जाए लीव रूल्स की, तो यहां हम बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स 1955। अक्सर कर जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और किसी और नौकरी में राज्य की सरकार, मेरे पास तो बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि केंद्र की सरकार में नीचे के पद पे कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, उनका ये बोलना है कि सर यूपीएससी की तैयारी करनी है, कितनी लीव हम लंबी ले सकते हैं। तो लीव रूल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं बताऊंगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स है 1955 के, लेकिन केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज पे लीव रूल्स कुछ कुछ इसी प्रकार से लागू होते हैं। जो बेसिक प्रकार की लीव्स होती हैं, एक तो होती है भाई आपकी कैजुअल लीव, ठीक है ना, साल में 8 दिन की होती है। एक होती है आपकी मेडिकल लीव, मेडिकल बेसिस पे आप ले सकते हो, उसको हाफ पे लीव भी बोलते हैं, साल में 20 मिलती हैं आपको ये, ठीक है। एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपको साल में 30 मिलती है। लीव का देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक होता है दोस्तों। लीव सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आपकी तनख्वाह कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप 1 जून को लीव पे चले गए और 40-50 दिन तक आप वापस आपने सर्विस ज्वाइन नहीं की। अब अगर तो आपने इस पर्टिकुलर लीव को ऑथराइज तरीके से प्रॉपर ऑफिसर से यू नो अटेस्ट करवा के लिया है तो बात अलग है। मान लीजिए आप बिना बताए डिपार्टमेंट से गायब हो गए, तो जब आप वापस आओगे तो जो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी अगर वो आपकी लीव्स को रेगुलराइज करती है तो ओवरऑल आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होगी। जी हाँ, लीव का सर्विस ब्रेक पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्या होता है कि जब भी आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में एंट्री करते हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ तक आपका काम करना जरूरी है अगले प्रमोशन के लिए कंसीडर होने के लिए। और जब आप आईएएस या आईपीएस की रैंक पे ज्वाइन करते हो सर्विसेज को, तो प्रमोशन एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे थोड़ी ना काम करते रहना,
रहना है, आपको भी तो सचिव बनना है, एडिशनल सचिव बनना है दिल्ली में जाके। तो ओवरऑल अगर आपकी लीव्स जितनी आपके पास प्रिस्क्राइब्ड है उससे आप एक्सीड करते हो और आपकी सर्विस ब्रेक होती है और वापस ज्वाइन करने पे आपका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपकी लीव को रेगुलराइज नहीं करता है, तो उस केस में आपका प्रमोशन भी यहां पे इफेक्ट हो सकता है। अब अभिषेक सिंह साहब के केस में क्या हुआ, पिछली 82 डेज से ये लगातार गायब है, ज्वाइन किया नहीं इन्होंने। जब नवंबर में इलेक्शन ड्यूटी के ऑब्जर्वर की तरह इनको अपॉइंट किया गया, तो उस समय पे जब एज एन ऑब्जर्वर हटाए गए उसके बाद से ये ऑफिस आए नहीं है। और आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15 फरवरी तक जितने आईएएस आईपीएस थे सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ओवरऑल यूपी सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बहुत सीरियसली टेकअप कर रही है, सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ड्यूटी पे लगाया गया। उस बीच में जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे हैं, चूंकि देखिए जिनकी छुट्टी सैंक्शन थी उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई, तो अनऑथराइज्ड ऑफिसर्स के अगेंस्ट यहां पे एक्शन होगा। तो यहां पे अब गाज गिरी है किसके ऊपर, अभिषेक सिंह साहब के ऊपर। अभी के लिए इनको सस्पेंड किया गया है, जल्दी इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी। क्या निकाला जा सकता है सर्विस पे, निकालने का क्या सीन है, किस प्रकार से ओवरऑल सर्विस से निकाला जाता है? तो देखिए यहां पे आपको नियम पे पहुंचना पड़ेगा, हाफ पे लीव, ईओएल, ओवरऑल जो भी आपकी 8 कैजुअल लीव है उसके बाद अगर आपकी खत्म हो जाती है लीव तो उसके बाद आपको किस हिसाब से लीव मिलेंगी। तो इन्हीं रूल्स के अगर आप पैराग्राफ 7 पे जाते हो, यहां पे लिखा हुआ मैक्सिमम पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ऑल इंडिया सर्विस रूल की बात कर रहा हूं, क्या बताया जा रहा है, नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 साल। अगर ओवरऑल आप पूरी सर्विस पीरियड में 5 साल से ज्यादा के लिए छुट्टी पे हो तो उस केस में आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इनफैक्ट ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने अपने आप को सर्विस से रिजाइन कर दिया। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मेंबर ऑफ द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव रिजाइन फ्रॉम द सर्विस इफ ही इज एब्सेंट विदाउट ऑथराइजेशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सैंक्शन लीव और परमिशन। तो जो भी आपकी सैंक्शन लीव्ड है उस सैंक्शन लीव के खत्म होने के बाद बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के आप 1 साल से ज्यादा के लिए गायब हो तो आपको मान लिया जाएगा कि आप सर्विस से रिजाइन कर चुके हो। दूसरा, इज एब्सेंट फ्रॉम अ ड्यूटी फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स इवन इफ द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस इज फॉर लेस देन अ ईयर। तो बेसिकली आपकी अनऑथराइज्ड एब्सेंस 1 साल से कम की है बट ओवरऑल आपकी छुट्टी 5 साल एक्सीड कर गई। तो अब आप समझो दोस्तों, बहुत हद तक यहां पे इन प्रोविजंस को पढ़ के लगेगा कि जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। कई बार ये देखा गया है कि ओवरऑल 4-5 साल तक लोग छुट्टी पे गायब रहे, वापस आए, उनकी लीव्स रेगुलराइज कर दी गई, उन्होंने आराम से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। और कई बार ये देखा गया है कि कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर 1-1.5 साल के लिए ही गायब रहा और उसकी बनी नहीं अपने पॉलिटिकल बॉसेस से, तो उतने ही समय में उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया। कुछ दिन पहले भी एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया था एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, जो कि विदाउट ऑथराइज्ड लीव लंदन में अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी। तो नियम कानून तो यह कहता है कि जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ एब्सेंस है आपकी ऑफिशियल ड्यूटी से वो हो सकता है 5 साल, लेकिन ओवरऑल अपनी सैंक्शन लीव के बाद अगर आप 1 साल से ज्यादा एब्सेंट हो अपनी जॉब से विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, तो उस केस में भी यह मान लिया जा सकता है कि भाई आपने सर्विस से रिजाइन किया है और आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है। हालांकि यह करने से पहले आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सरकार के द्वारा जिसमें आप अपने स्टैंड को प्रेजेंट कर सकते हो। अब अभिषेक सिंह साहब यहां पे यूपी सरकार के अंदर है, तो यूपी सरकार जो भी करेगी वो केंद्र की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के साथ डिस्कशन करके करेगी। अपने ओवरऑल यू नो इनिशिएटिव पे यूपी सरकार नहीं निकाल सकती एक आईएएस ऑफिसर को, लेकिन देखिए कोई आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर अगर लंबे समय तक सर्विस से बाहर है, छुट्टी पे है, तो केंद्र का डीओपीटी भी उसको ज्यादा मदद करेगा नहीं, क्योंकि अनऑथराइज्ड एब्सेंस ज्यादा कोई यहां पे टॉलरेट करता नहीं। और इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। अब अभिषेक सिंह साहब ऑनलाइन इतने ज्यादा फेमस हैं कि डिपार्टमेंट में इंटरनली भी इनके खिलाफ काफी गुफ्तगु और यू नो गॉसिप चलती होगी, सब लोग बात करते होंगे कि भाई देखो ये तो मॉडलिंग कर रहे हैं, ये तो आते ही नहीं है, चुगलियां होती होंगी ऊपर पॉलिटिकल बॉसेस को, तो इस हिसाब से भी अभिषेक सिंह के लिए मैनेज करना यहां पे मुश्किल हो गया होगा। तो मैक्सिमम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी केंद्र की सरकार की जॉब में हो, सबऑर्डिनेट लेवल पे हो, और अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे कि सर कितने लंबे समय तक छुट्टी मार सकता हूं, तो आपका सीनियर बोलेगा 5 साल तक, 5 साल के बाद तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, अगर आप 1 साल को क्रॉस कर चुके हो
अनऑथराइज लीव है आपकी और आपके रिपोर्टिंग बॉस का दिमाग घूम गया, तो एक साल की अनऑथराइज एब्सेंस के बाद भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। हालांकि टर्मिनेट करने से पहले आपसे एक ऑफिशियल रिस्पांस माना जाएगा, आपने प्रॉपर ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी लेवल पे हो। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में जो लीव अप्लाई होती है, नॉर्मल अगर केंद्र की सरकार में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके ऊपर कुछ सिमिलर नियम ही लागू होते हैं। तो एक आइडिया दिया है मैंने आपको लीव के रिस्पेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सर लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।